हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स राना टिग्रिना यानी फ्रॉग और यूरोमैट्रिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। राना टिग्रिना आपका फ्रॉग है जो कि क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, वहीं यूरोमैट्रिक्स आपके क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है। तो इन दोनों क्लासेस को एक ही वीडियो में हम डील करेंगे। इसके पहले हमने हर्डमैनिया, एम्फीऑक्सिस, कोलियोडॉन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के, जिससे हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं। और हमने अच्छा खासा एक लंबा सेक्शन है हमारे वीडियोज़ का, 10 पार्ट्स में हमने कवर किया है जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप UPTGT, PGT, NVS, KVS, DSSSB, GIC और LT ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस को भी इस तरीके से सॉल्व किया गया है कि अगर क्वेश्चंस जिस तरह का ट्रेंड है आज का, उस तरीके से अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है तो भी आप उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज होता है टॉपिक का। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक बायोलॉजी प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन यूरोमैट्रिक्स क्लोका इज डिवाइडेड इनटू। तो आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो क्लोकल चेंबर होता है वो ट्राईपैरिटेट होता है, यानी वो इंटरनली 3 लीनियर चेंबर्स में डिवाइडेड होता है। ये तीनों चेंबर्स आपके हैं एंटीरियर चेंबर, मिडिल चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर को कहा जाता है कॉप्रोडियम, मिडिल चेंबर है आपका यूरोडियम और पोस्टीरियर चेंबर है आपका प्रोक्टोडियम। कॉप्रोडियम जो है इसमें आपका रेक्टम आके ज्वाइन करता है, वहीं आपके यूरोडियम में यूट्रस, गोनोडक्ट्स और यूरिनरी ब्लैडर जैसे स्ट्रक्चर ज्वाइन करते हैं। प्रोक्टोडियम आपका बॉडी से बाहर ओपन होता है थ्रू क्लोकल चेंबर, ठीक है, या क्लोकल अपर्चर। तो यही आपका डिस्क्रिप्शन है यूरोमैट्रिक्स के क्लोका का। तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है इन यूरोमैट्रिक्स क्लोका इज डिवाइडेड इनटू, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेरिगॉइड। ये आपके अपर जॉ की एक बोन है जो स्क्वामोसल से वेंट्रली प्रेजेंट होती है और लैटरली अटैच होती है क्रेनियम से। ये टेरिगॉइड आपका 3 रेड या वाई शेप्ड बोन होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 64 टाइम्स पर मिनट। वहीं आपके एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसमें 72 टाइम्स पर मिनट है। एक छोटे बच्चे या इन्फेंट में आपका 120 टाइम्स पर मिनट, ओल्ड पर्सन्स में आपका 60 टाइम्स पर मिनट और फीटस में आपके 150 टाइम्स पर मिनट। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फार्मूला ऑफ 4 लिम्स इन फ्रॉग इज। तो आपके फ्रॉग के 4 लिम्स में जो फिंगर्स होते हैं उनका डिजिटल फार्मूला है आपका ऑप्शन ए, 02233। फ्रॉग में जो हैंड या मैनस होता है वो आपका स्लेंडर रॉड लाइक बोन होता है जो सपोर्टेड होता है 5 बोन्स से, जिसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये मेटाकार्पल्स ही इंटरनली सपोर्टेड होते हैं बोनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको फैलेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये फैलेंजेस ही आपके फिंगर्स के डिजिट्स हैं। ठीक है, इनमें जो आपका पहला मेटाकार्पल होता है वो रूडिमेंट्री होता है, यानी एब्सेंट होता है। ठीक है, डीजेनरेट हो चुका होता है, इसीलिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 02233। पहला है आपका पॉलक्स या थंब, इसमें आपके फैलेंजेस प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है और तीसरा आपके 22 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं पहले और दूसरे डिजिट में, और जो थर्ड एंड फोर्थ है उसमें 33 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं थर्ड एंड फोर्थ डिजिट में। ठीक है, इसलिए जो फॉर्मूला बनता है वो है आपका 02233। इसके साथ आप इनके हाइंड लिम्स के डिजिट का फॉर्मूला भी याद रखिए, वो है आपका 22343। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज। तो आपके फ्रॉग में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जाइगोट में वो है आपका 26। वहीं ह्यूमन में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो है आपका 46, दैट इज 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स में से आपका जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है XX और दूसरा आपका XY। XX इंडिकेट करता है फीमेल प्रोजेनी और XY इंडिकेट करता है मेल प्रोजेनी। तो ये सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते चलिए, इससे आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ यूरोमैट्रिक्स इज डिविजिबल इनटू।
तो आपके यूरोमैट्रिक्स की जो बॉडी होती है वो फोर डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राना टिग्रिना बिलोंग्स टू द ऑर्डर। तो आपके राना टिग्रिना का जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, जीनस राना एंड स्पीसीज इस टिग्रिना। तो जो ऑर्डर है वो है आपका एन्यूरा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सराउंडेड बाय। तो आपके फ्रॉग के क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसमें एक लार्ज होल प्रेजेंट होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और इसी होल से आपके स्पाइनल कॉर्ड क्रेनियम के अंदर एंटर करता है। ठीक है, ये आपके दो इरेगुलर कार्टिलेजिनस बोन्स से सराउंडेड होता है जिसको कहते हैं एक्सोऑसिपिटल, जो कि इनके दोनों साइड्स में, इधर साइड्स में फोरामेन के प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कम्प्लीटली उस होल को सराउंड करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्सोऑसिपिटल्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थिक मस्कुलर प्रोजेक्शंस ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर कॉल्ड। तो आपके फ्रॉग में जो वेंट्रिकल होता है वो आपका थिक मस्कुलर और स्पॉन्जी वॉल होता है। इसका जो इनर सरफेस होता है वो इरेगुलर स्ट्रैंड्स या रिजेस का बना होता है जिसको कॉलमनार कार्नी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम ट्रैबिक्यूली भी है, इसे भी याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉलमनार कार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग इज लाइंड बाय। तो आपके फ्रॉग का जो ओरल या बकल कैविटी होता है वो लाइंड होता है बाय सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं फॉर लुब्रिकेटिंग फूड। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉलमनार एपिथेलियम। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसे याद रखिएगा कि आपके फ्रॉग में कोई भी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी जो टीथ होती है वो होमोडोंट होती है, यानी जितने भी टीथ हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। इसके साथ इनमें पॉलीफायोडोंट टीथ भी पाई जाती है, यानी ये आपके ब्रेक होते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं अनदर सेट ऑफ टीथ से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ऑफ फ्रॉग स्कल विच वन इज सिंगल अनपेयर्ड। यानी जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा बोन है फ्रॉग के स्कल का जो कि अनपेयर्ड है। ठीक है, तो आपके जो फ्रॉग का स्कल होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, क्रेनियम, सेंस कैप्सूल और विसरल स्केलेटन। तो आपके फ्रॉग के क्रेनियम में प्रेजेंट होता है एक बोन पैरास्फेनॉइड। ठीक है, ये आपके एंटायर क्रेनियम को कवर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसका स्ट्रक्चर आपके डैगर शेप होता है, यानी कि इन्वर्टेड टी शेप होता है। ठीक है, तो यही आपका फ्रॉग के स्कल का वो बोन है जो कि इन्वर्टेड है, टी शेप का है और ये अनपेयर्ड है, यानी सिंगल प्रेजेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पैरास्फेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन। तो जो पेसमेकर होता है फ्रॉग में वो राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, जिसको एसए नोड भी कहा जाता है, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड। ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राइट ऑरिकल। इन अ फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज। तो आपके फ्रॉग में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब के नाम भी आपको याद होने चाहिए। जो 10 पेयर्स हैं वो है आपका ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल और वेगस। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 पेयर्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड टी शेप पैरास्फेनॉइड बोन इज फाउंड। तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है। तो प्रेजेंट होता है ये ऑप्शन बी, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ क्रेनियम ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन टचेबल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रॉग स्किन इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपके फ्रॉग की जो स्किन होती है उसके दो डिस्टिंक्ट डिविजन्स होते हैं या रीजन्स होते हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट एक्टोडर्मल लेयर है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम का बना होता है। ठीक है, ये एक से दो लेयर का बना होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके एपिडर्मिस सही है, ऑप्शन बी, स्क्वामस एपिथीलियम। वहीं आपके डर्मिस की बात करें तो डर्मिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसको कॉरियम कहते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स, मसल फाइबर्स, पिगमेंटेड सेल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्किन ऑफ फ्रॉग क्रोमैटोफोर्स आर प्रेजेंट इन। तो आपके फ्रॉग के स्किन का जो दूसरा डिस्टिंक्ट लेयर है डर्मिस,
उसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको कॉरियम कहते हैं, इनमें आपके ब्लड कैपिलरीज, नर्व्स, मसल फाइबर्स, पिगमेंटेड सेल्स जिसको आपके मेलानोफोर्स या क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ इनमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं जो इनके स्किन को मॉइस्ट और स्लिपरी बनाते हैं। तो ये आपके जो क्रोमैटोफोर्स पिगमेंटेड सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके डर्मिस में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपके डक्टस आर्टेरियोसस को डक्टस बोटाली भी कहा जाता है इन केस ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि डेवलपिंग फीटस में डेवलप हो रहे होते हैं और ये आपके एक कनेक्टिंग ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं पल्मोनरी आर्टरी से लेकर के प्रॉक्सिमल डिस्टल ऑर्टा तक, ठीक है। क्योंकि आपके फीटस में जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो ब्लड होता है राइट ऑरिकल का वो बाईपास कर जाता है, ठीक है। यही जब बर्थ हो जाती है यानी कि जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है डक्टस बटाली ये क्लोज हो जाता है और उसकी जगह पे एक स्ट्रक्चर रह जाता है, उसको कहते हैं लिगमेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डक्टस बटाली इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फ्रॉग, दैट इज ऑप्शन ए राना। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, फ्रॉग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्डेटा का जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाएं अगर वो बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है तो फ्रॉग से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा आपके पीजन पे, यानी अब हम क्लास एव्स के मेंबर कोलंबा लीविया से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।